मैट्रिक इंटर सभी छात्र छात्राओं का स्कॉलरशिप लिस्ट जारी कर दिया गया है। सभी छात्र छात्राएं स्कॉलरशिप लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं, अपना नाम चेक कर सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन करके राशि को जो है कि अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करा सकते हैं। तो कैसे कराना है, कहां पर लिस्ट में नाम चेक करना है और कहां पर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, तमाम बातों को बताने वाले हैं। पहले हम मैट्रिक के सभी छात्र छात्राओं के लिए बताएंगे, उसके बाद हम इंटर के छात्र छात्राओं के लिए बताएंगे। तो मैट्रिक वाले क्या करेंगे, सर्च करेंगे ई कल्याण। जैसे ई कल्याण सर्च करेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट खुल के आ जाएगा। इनको टच करेंगे, पेज ऐसे ओपन होगा। फिर इनको टच करें, टच करने के पश्चात देखिए पेज ऐसे ओपन होगा। जो भी मैट्रिक पास छात्र छात्राएं हैं तो यहाँ पर देखिए इसके लिए तीन लिंक एक्टिवेट किया गया है। एक लिंक ये है, दूसरा लिंक ये है और तीसरा लिंक ये है। और जो भी छात्र छात्राएं 2019 में स्कॉलरशिप राशि से वंचित हो चुके हैं उनका जो है कि लिंक ये है। तो यहाँ से जो है कि आप जैसे किसी भी लिंक को टच कीजिए, जैसे एक ही काम करेगा, मतलब सभी में जो है कि तीन लिंक अलग अलग दे दिया गया है लेकिन सबों का काम एक ही है। तो यहाँ पर देखिए क्लिक हेयर टू अप्लाई है, इस लिंक पर क्लिक करके आप जो है कि आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर से देखिए वेरीफाई नेम एंड अकाउंट डिटेल्स, यहाँ पर देखिए। तो यहाँ से जो है कि आप जो है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है कि लिस्ट को जो है कि चेक कर सकते हैं। और ये तो मैट्रिक वाले छात्र छात्राओं के लिए हो गया। अब इंटर वाले छात्र छात्राओं के लिए हम बताते हैं कि कहाँ पर उसका लिस्ट है और कहाँ से जो है कि वे डाउनलोड करके ऑनलाइन आवेदन किस वेबसाइट पर कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल में आना है, सर्च करना है बिहार बोर्ड ऑफिशियल, इनको टच करेंगे, पेज ऐसे ओपन होगा। होने के पश्चात देखिए ऊपर में लिंक आपको चल रहा है, तो स्कॉलरशिप लिस्ट डाउनलोड करने के लिए भी लिंक आएगा। यहाँ पर वेट करते जाइए, आएगा। यहाँ पर देखिए आ चुका है एनएसपी कट ऑफ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ईयर 2020। इस लिंक पर टच करके आप जो है कि स्कॉलरशिप लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्कॉलरशिप लिस्ट डाउनलोड हो रहा है, होने के बाद जो है कि अपने आप ओपन होगा। तो देखिए स्कॉलरशिप लिस्ट जो है कि इस प्रकार से ओपन हो गया है। इसमें आप अपना नाम चेक कर सकते हैं, अगर आपका नाम है तो आप इस वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किस वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करेंगे यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं। गूगल में आना है, सर्च करना है NSP। NSP लिख के सर्च करेंगे, पेज ऐसे ओपन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इनको टच करें, पेज ऐसे ओपन हुआ। होने के बाद यहाँ पर देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, इनको टच करेंगे, पेज ऐसे ओपन होगा। होने के बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर आएंगे, करना है टिक कर लेना है। तो चलिए हम टिक कर देते हैं। टिक करने के बाद यहाँ पर देखिए कंटिन्यू को टच कीजिए। करने के पश्चात देखिए पेज ओपन हो रहा है, थोड़ा स्लो खुल रहा है, हाँ खुल गया है। खुलने के बाद यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म है स्कॉलरशिप के लिए, एकेडमिक ईयर तो आपको हो गया 2020-21। और यहाँ पर तमाम डिटेल्स को आप भर करके, जो सब प्रोसेस होगा, जो सब डिटेल्स मांगी जाएगी उनको भरते हुए आप जो है कि स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो जो भी इंटर पास छात्र छात्राएँ हैं यहीं से जो है कि स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। UGPG के छात्र छात्राएँ भी यहाँ से आवेदन कर सकते हैं।